पे ही इनके बच्चे होते हैं, रोड पे ही इनकी शादियां होती हैं, रोड पे ही इनकी सारे सुख दुख के कार्यक्रम होते हैं और रोड पे ही ये मर जाते हैं। शायद यही कारण रहा है कि मैं इन लोगों के साथ हूँ और शायद आजीवन साथ रहूँगा। बस फोर्ड कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो उत्तर प्रदेश में, जिनकी आबादी लगभग 7 लाख के आसपास है, ये ऐसी कम्युनिटी है जो अब तक रोड पे रह रही है। तो उनके बच्चों को मैं कॉपी किताब लेके पढ़ाने लगा, नाली के ऊपर पटरे वटरे डाल के वहीं पे पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद से वो पढ़ाई का तरीका और अच्छा होने लगा, लोगों की मदद मिलने लगी। फिर उनमें एक प्रथा है बाल विवाह की, तो बाल विवाह की प्रथा, मेरे सामने एक लड़की पढ़ने आती थी, अगले दिन आती है तो उसके हाथों में मेहंदी लगी रहती है, मात्र उसकी उम्र 14 साल थी उस। तो सबसे पहले मैं उसके लिए उनको अवेयर करना शुरू किया, लड़ाई करनी शुरू की उनसे कि ये ऐसा नहीं करना है, ये करना है, हम तमाम चीज़ें शुरू की। धीरे धीरे वो बंद हो गए। फिर उसके बाद से स्कूल में उनके बच्चों को भेजना शुरू किया गया, उनके सही एटिकेट्स आए और तमाम चीज़ें सीखें वो, तो स्कूल जाना बच्चे शुरू हो गए। अब स्कूल हो गया था, बाल विवाह बंद हो गया था, तमाम चीज़ें हो गई थी, हम अच्छे मित्र हो गए थे। बच्चे अभी भी फुटपाथ पे ही पैदा हो रहे थे। सब कुछ करने के बाद ऐसा लगता था कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो सबसे बड़ी समस्याएं आईं कि अब इनके लिए कोई जगह होनी चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए। तो समझ में इतनी योजनाओं के बारे में पता नहीं था तमाम चीज़ों से। 2-3 सालों तक क्या जुलूस, धरना, सत्याग्रह, जो नाम दे लीजिए, 2 सालों तक लगातार लड़ाई चलती रही। लेकिन वहीं अचानक हम लोगों की ज़िंदगी में एक व्यक्ति आता है भगवान बनकर, के विजेंद्र पांडियन सर उनका नाम है, गोरखपुर के डीएम आते हैं। हम लोग हर अधिकारियों की तरह जिस तरह बात रखते थे उसी तरह उनके सामने भी अपनी बात रखे। आज हमारे लगभग 100-125 परिवारों के पास घर है, मतलब लगभग गोरखपुर की 1500 आबादी अब घर में रहती है। पहले ऐसा होता था कि ये लोग रहते थे किसी तरह, एक दिन खाने का व्यवस्था हो जाए। अब उसी चीज़ों को हम लोगों ने इस तरह कर दिया है कि इस तरह क्रमबद्ध तरीके से इसको करिए, ये चीज़ बनाइए, ये चीज़ ऐसे बिक जाएगी। लेकिन अब दिखता है हम लोगों को कि ये जो लोग हैं, हर दिन जब मैं जाता हूँ इनके पास तो ये हमसे नई बातें करते हैं। अभी मैं परसों ही गया था तो एक महिला ने मुझसे कहा कि भैया ये ऑनलाइन वाला सिस्टम क्या है, उसमें कैसे हम लोग अपना बेच सकते हैं। तो मुझे बड़ा ये जान के खुशी हुआ कि जो व्यक्ति सड़क पे रह रहा था वो व्यक्ति आज ऑनलाइन की बात कर रहा है। आपके माध्यम से मैं शहर में, देश में और प्रदेश में जो लोग युवा हैं, जो लोग थोड़ा सा भी समाज को समझते हैं, उन लोगों से मेरी एक अपील है कि अपने अगल बगल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीना भी नहीं जानते हैं, जो कीड़ों मकोड़ों की तरह अभी भी नाली में व्यस्त हैं, और उनकी मदद करिए, उनको उस थोड़ा सा ऊपर उठाइए। विश्वास मानिए, कोई उस जगह से रहना नहीं चाहता है, आप हल्का सा हाथ लगाएंगे वो ऊपर आ जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपके बराबर चल सकेंगे।